अभी हम लोग जहाँ खड़े, ये गफूर नगर का एरिया है, वार्ड नंबर 13 गफूर नगर। ये मस्जिद की गली है, यहाँ पे पास में मस्जिद है और यहाँ आसपास एक घनी आबादी है। आप देख सकते हैं ये जो डीपी नंबर है 446 है, आप इसको देख सकते हैं कि कितनी बड़ी खतरे की घंटी। आप देखिए यहाँ मासूम मासूम बच्चे खेलते हैं, ये रोड पे है ये डीपी। बार बार हम लोग इसके पहले भी हम लोग न्यूज लगाए थे, लेकिन जो महावितरण कंपनी है, एमएससीबी कंपनी जो है, तो इस पर कोई ध्यान दे नहीं रही है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा खतरा, आप देख सकते हैं कितनी नीचे है कि बच्चों का हाथ। आप देखा यार, जमीन से 2 फुट ऊपर भी आप देखेंगे तो मेन करंट है, ये 440 वोल्ट का करंट है। ये मेन जो है तो डीपी में से नीचे आया हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये कितनी बड़ी खतरे की घंटी है। बार बार महावितरण कंपनी को, यहाँ के जो नागरिक है, यहाँ की जो आवाम है, बार बार कंप्लेन करती है कि हमारे बच्चों को खतरा है, हमारे घर वालों को, हमारे जानवरों को, हर चीज को जान का खतरा है। और अगर ये मेन रोड है, अगर कोई साइकिल वाला या मोटर गाड़ी वाला अपना अनबैलेंस होता है और कभी यहाँ आता है तो वो जिंदा नहीं बच सकता। तो आखिर ये बार बार कंप्लेन करने के बाद, बार बार तकरार करने के बाद एमएससीबी जो कंपनी है, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? क्या महावितरण कंपनी किसी बड़े खतरे का इंतजार कर रही है, या किसी मरने का इंतजार कर रही है कि किसी आदमी की जान जाए उसके बाद ये काम करे? अब देखना ये है कि महावितरण कंपनी क्या करती है इस पर। अभी हम चलते हैं, यहाँ के जो नागरिक है, नागरिकों से मुलाकात करते हैं। रेडी, आप देख सकते हैं ये वायर पूरा खुला हुआ है, अगर गलती से कोई बच्चा यहाँ आता है तो क्या वो बच सकता है? ये 440 वोल्ट का करंट है, मतलब जिसका हाथ लगा हुआ पल भर में कोयला बन जाएगा। तो महावितरण कंपनी जब इतना टैक्स लगा रही है, इतना पावर बिल वसूल रही है, बार बार कंप्लेन और तकरार करने के बाद आखिर काम क्यों नहीं करती? हम आपको यहाँ के एक स्थानीय नागरिक से मिलाते हैं और जानना चाहते हैं कि इनको किन किन इस वायर से किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इनके वार्ड में लाइट कितनी रहती है और कितना जाती है। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में लाइट कितना वक्त पर रहती है? दिन भर में 15 से 20 मरतबा लाइट जाती है, हर आधे घंटे में लाइट जाती है। और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एमएससीबी में जाओ तो बोलते हैं आधे घंटे में आदमी आ रहा, कभी तो फोन बंद रहता, फिर वहाँ जाने के बाद आदमी आया तो वो तात्पुरता छोड़ के चले जाते, बोलते हमारे पास सामान नहीं है, हमको साहब लोग सामान नहीं देते, तुम वहाँ आके लेके निवेदन देने के बाद भी काम नहीं हो रहा। आपका कहना है कि महावितरण कंपनी जो है तो वो आपसे पूरा पूरा पैसा वसूल कर रही है, मीटर टैक्स भाड़ा है, हर चीज आपसे वसूल कर रही है, सर्विस टैक्स वसूल कर रही है, लेकिन इनको मतलब जो है तो वो देते नहीं है सामान काम करने के लिए। मतलब आपका पैसा महावितरण कंपनी जो है तो हड़प कर रही है, आपके साथ ना इंसाफी की जा रही है। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इसके बारे में आगे क्या करना चाहते हो? हम लोग तो अभी आंदोलन करना चाहते थे, बाकी अभी देखो अभी 1 घंटे से यहाँ पे 2 घंटे लाइट जाने को हो गई और दोनों फीस काट के एक ही लोड पे डाल दिए, एक ही फीस पे डाल दिए और पूरे वायर खुले हैं नीचे से। उस दिन बकरी मर गई यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पर बकरी मरी, उसका मालक कौन था बकरी का? मैं था। तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं किया? लेखी निवेदन दे के आए हम लोग। आप महाराजा के आपकी बकरी को यहाँ पर करंट लगा, शॉट लगने से आपकी बकरी मर गई, आपका करीब 4 से 5 हजार रुपए का नुकसान हुआ, तो क्या आप महावितरण कंपनी के ऊपर गुना दाखिल करेंगे? करेंगे करेंगे, बिल्कुल करेंगे गुना दाखिल। आज बकरी मरी का इंसान मर सकता, यहाँ के पूरे फेस कटआउट सब खराब है। तो आप मतलब महावितरण का गुना दाखिल करेंगे, दावा क्या दाखिल करेंगे, पैसे का दावा दाखिल करेंगे या जाने जो नुकसान है उसका? जानी नुकसान का दाखिल करेंगे ना, जो पैसा है वो तो मान जानी आज बकरी का ही कर इंसान क्या रखता है? आज वो वायर पूरे मोहल्ले के 2-3 बच्चे मर गए तो क्या करेंगे? पूरा दाखिल ही करना पड़ेगा ना पहले। बारिश पानी का केबल टेंशन में डाला है पूरा, यहाँ अगर टूट के गिरा तो क्या हाल बनेगा यहाँ किसी का? केबल डायरेक्ट निकल के सेक्शन में जोड़ा है और कभी इस पार होके निकल गया तो क्या बनेगा यहाँ पे किसी का? जान का नुकसान हो जाएगा। महावितरण कंपनी क्या कर रही, बार बार हम जाके परेशान हो रहे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर गफूर नगर में आए,
ये वार्ड नंबर 13 है, यहाँ पर आपने देखा कि डीपी का वायर निकला हुआ है। मतलब अगर इतना मतलब रिस्की मामला है यहाँ पर कि कभी अभी बारिश का मौसम चालू है, कटआउट में डायरेक्ट वायर जोड़ा हुआ है, अगर वो जमीन पर गिर जाए और बारिश आ जाए तो ना जाने कितने लोगों का जानी नुकसान हो सकता है। इसलिए यहाँ आने के बाद जनता में एक आक्रोश और एक जोश देखने में मिला है और यहाँ की जनता महावितरण कंपनी के ऊपर बहुत जल्दी गुनाह दाखिल करने वाली है। और मैं जैसे कि अभी कल के रोज भी न्यूज लगाए बार बार, मतलब पूरे शहर के अंदर एक ही बात देखने को मिल रही है कि कहीं पर 2 दिन से पावर बंद है तो कहीं 3-3 दिन पावर बंद हो जा रही है, जबकि ये टैक्स उसके बाद हर चीज का जो टैक्स लगता है हर चीज का टैक्स बढ़ाकर वसूल रही है। और जो है तो इनका जो पैसा होता है, जो बिल होता है, तो बिल पूरा पूरा वसूलती है। अगर किसी व्यक्ति का 2 से 3 महीना पैसा रुक जाए तो महावितरण कंपनी आके उनका मीटर जो है कट कर देती है। इसलिए पूरे शहर की जनता को जागने की जरूरत